हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और कर रहे होंगे लाइफ को एंजॉय। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और न्यूज़, और वो न्यूज़ है हानिया आमिर के हवाले से। जी हाँ, हमारी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, सॉरी एक्ट्रेसेस नहीं, एक्ट्रेस, हाँ जी एक्ट्रेस हानिया आमिर, उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। और जो है पिछले दिनों हानिया आमिर को जो है काफ़ी हेट कमेंट्स का सामना करना पड़ा था, और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उनके जो लिप्स थे, उनके होंठ, वो काफ़ी पाउटी हो रहे थे, जिस पे जो है फ्रेंड उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनके फैंस ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, ये कहते हुए कि इन्होंने जो है फिलर्स करवाए हैं और अपने लिप्स की सर्जरी करवाई है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। और उन्होंने जो है एक फेस फिल्टर का इस्तेमाल किया था और उसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो है उनको हेट कमेंट्स आए। तो हानिया आमिर के इंस्टाग्राम पे तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा जो है फॉलोअर्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ट्रेस हैं और बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करती रहती हैं अपनी पिक्चर्स की, अपनी वीडियोस की पोस्टिंग करती हैं। और इसके इस ट्रॉलिंग के बाद जो है उन्होंने अपने फैंस को जो रिप्लाई दिया था कि मैं वही हूँ हानिया आमिर और मुझ में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, और जो है ये जो 2-3 हेट कमेंट्स हैं ये मुझ पर कोई असर नहीं डालते हैं। तो बिल्कुल असर तो पड़ता है, थोड़ी सी परेशानी भी होती है। और उन्होंने मज़ीद ये भी अपने फैंस के कमेंट्स पर कहा था कि 2 आंसू बहाने के बाद जो है मैं ख़ुद को अच्छा महसूस कर रही हूँ, और इससे जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने जो है ये अपनी जो पोस्टें वगैरह की हैं अपने फ़न के लिए की हैं, तो मैं जो हूँ आपके वर्ड से कुछ भी नीचा महसूस नहीं कर रही। तो ये थे हानिया आमिर के अल्फाज। और अभी रिसेंट ही उन्होंने एक और अपनी पिक्चर पोस्ट की है, और उसमें फिर जो है उन्होंने अपने होंठ पाउटी किए हैं, और उसके साथ एक कैप्शन लिखी है कि पाउट बनाओ और अपने काम से काम रखो। तो यानी ये अपने फैंस के लिए हानिया आमिर का एक रिसेंट पैगाम है, एक टॉन्ट है, और यानी कि 2 टोक बात करके जो है उन्होंने सब फैंस को कपड़ों पर जमी हुई गर्द की तरह झाड़ के रख दिया। तो एक गलती हानिया आमिर को काफ़ी महंगी पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द ही अपनी गलती को सुधार लिया, और जो है वो सीख गई कि अगर वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हैं तो उसके फ़िल्टर्स को वो कैसे यूज़ करें, और उसमें जो है जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें। तो वाकई कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी की सीट होती है वो एक डेंजरस सीट पर बैठा होता है, और उसके एक गलत हरकत से और मुंह से एक गलत अल्फाज निकले हुए जो है वो उसको काफ़ी मुश्किल में डाल देता है। गो कि हानिया मुश्किल में पड़ गई थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन दोबारा ही उन्होंने एक और ट्वीट की अपनी एक नई पिक्चर के साथ, पाउट किया और कहा अपने काम से काम रखो और अपनी मुश्किल सॉल्व कर दी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको कैसी लगी है इनबॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होती है कि नई न्यूज़ अपडेट, एक नई सेलिब्रिटी की न्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह।